और एक दो छोटी बातें बताता हूं कि आपके घर में कुछ ऐसी औषधियां हैं जिनको दुनिया भर के लोगों ने आज मान्यता दे दी है। उसमें से एक है तुलसी। अगर तुलसी आपके घर में है, श्याम तुलसी घर में है, जिसके पत्ते गहरे हरे होते हैं, तो आपके घर में सब बीमारियों का इलाज है। इस तुलसी के पत्ते का काढ़ा बना के जो भी पी लेगा उसको कभी चिकनगुनिया हो नहीं सकता, ये गारंटी मैं देता हूँ। और चिकनगुनिया ठीक होने के बाद जो सब शिकायतें हो रही है ना, अभी दर्द नहीं जा रहा है, कमजोरी नहीं जा रही है, एक ही दिन तुलसी का काढ़ा पी लो तो सब चला जाए। तुलसी जो है ना एंटीपायरेटिक है, माने बुखार से होने वाली तकलीफों की सबसे अच्छी दवा है तुलसी। कभी भी बुखार आ जाए तुलसी का काढ़ा कभी भी दो, भूलो ही मत। ज्यादा तेज बुखार हो तो तुलसी के काढ़े में अदरक का रस मिलाओ, नहीं तो सौंठ का पाउडर मिलाओ। और ज्यादा तेज बुखार है तो इसमें पीपर मिलाओ, छोटी पीपर मिलाओ। और ज्यादा तेज बुखार है तो नीम की गिलोय मिला लो या नीम के पेड़ की छाल का पाउडर मिला लो। कितना भी तेज बुखार खत्म होता है, लेकिन मेन है इसका तुलसी, बेस है तुलसी। होम्योपैथी में दवाएं तुलसी से बहुत है, आयुर्वेद में तो अद्भुत दवाएं हैं। इसका भरपूर इस्तेमाल आप अपने घर में करिए, जैसे जैसे कर सकते हैं। आप में से कई लोग आश्चर्य करेंगे, मैंने स्किन डिसीज तुलसी से ठीक किए। त्वचा के रोग, सोराइसिस, इचियोसिस, एक्जिमा, 20-20 साल पुरानी बीमारियां त्वचा की तुलसी के रस से ठीक होती है। अद्भुत है तुलसी, आप रखो इसको घर में बना। और ऐसी तुलसी के जैसी ही एक बहुत अच्छी चीज है पुदीना, वो भी बने तो गमले में कर लो घर। और इन दोनों से बराबर ही अच्छी एक चीज है एलोवेरा, ग्वार पाठा जरूर रखो अपने घर। ग्वार पाठे का रस अद्भुत काम कर, त्वचा की बीमारियों में काम करता है, पेट साफ करने में काम आता है। कान में कितना भयंकर दर्द हो, ग्वार पाठे का रस थोड़ा गर्म करके एक ही बूंद टपकाओ, 3 सेकंड में दर्द खत्म कर दे, विद इन 3 सेकंड। इंजेक्शन से भी तेज गति से काम कर। किसी स्त्री और पुरुष को नपुंसकता की शिकायत हो, ग्वार पाठा बिल्कुल ठीक कर देता, कंप्लीट क्योर कर। शरीर को ताकत बढ़ानी हो, बहुत कमजोरी लग रही हो, तो ग्वार पाठा अद्भुत काम करता है। बाल बहुत झड़ते हो, गुच्छे के गुच्छे निकलते हो, ग्वार पाठे का रस बाल में लगाओ, जैसे तेल लगाते हैं, 1 घंटे के बाद धो लो तो बाल झड़ना बंद करा देता है। बाल ज्यादा काले रखने हैं तो ग्वार पाठा सप्ताह में 1 दिन लगाते ही रहो रस के रूप में, अद्भुत काम करता है। आंखों की रोशनी बढ़ानी हो तो ग्वार पाठे को इस्तेमाल कर सकते हैं, पीने के रूप में ले सकते हैं। बच्चों को फोड़े फुंसियां बहुत होती हैं, 1-1 चम्मच ग्वार पाठे का रस 3-4 दिन पिला दो तो सब फोड़े फुंसियां होना बंद। गर्मियों में घमौरियां बहुत हो जाती हैं तो ग्वार पाठे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मनुष्यों में पुरुषों को एक बहुत खराब बीमारी होती है, उसको बार्बर सीचिंग कहते हैं। दाढ़ी बनाओ ना, उसके बाद लाल लाल फुंसियां हो जाती हैं। उनको बोलो कि ग्वार पाठे का रस लगा के फिर शेविंग करें तो कभी ये तकलीफ नहीं आती। एक दिन मैंने ये सब गिना तो 108 दवाएं हमारे रसोई में हैं, 108, और इनसे हर बीमारी ठीक हो सकती है। कहीं घर के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। और मैं तो सबको चिल्ला चिल्ला के कहता हूं कि आप बीमारी से नहीं, डॉक्टर से बचो। बीमारी खतरनाक नहीं है, डॉक्टर खतरनाक। एक बीमारी से दूसरे में फंसाएंगे, दूसरे से आपको तीसरे में ले जाएंगे, ठीक ही नहीं होने देंगे। और आजकल डॉक्टर जो दवाएं आपको खिलाते हैं ना, वो दवा अपनी माँ बहन को कभी नहीं खिला सकते, ऐसी दवाएं आपको खिला देते। जिन दवाओं पर कोई क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए हैं, जिन दवाओं को किसी ने अप्रूव भी नहीं किया है, उनको धड़ल्ले से प्रेस्क्राइब करते हैं क्योंकि कमीशन मिलता है। और ये कमीशन खोरी इतना बढ़ गया है कि अब अच्छा डॉक्टर चिराग लेके ढूंढने निकलो तो कोई एक मिले, मुश्किल से एक मिले। इसलिए आप इनसे अगर बचे रहें तो आपकी जिंदगी बहुत सुरक्षित रहने वाली है।